अग्निपथ योजना में जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है सर, आपको क्या लगता है सर ये प्रदर्शन करने वाले कौन लोग हैं सर? इसमें जिहादी लोग हैं और समीकरणवादी लोग हैं, जो समीकरण बना करके सरकार बनाते थे, छटपटाहट हो रही है, वैसे लोग हैं, या समीकरण बना करके सरकार बनाना चाहते हैं वैसे लोग हैं, और जिहादी लोग हैं, जो युवा है जिसके शरीर में जज्बा है कुछ करने की, देश पर मर मिटने की, वो सारे युवा खुश हैं। निश्चित जानबूझ के कराई जा रही है, ये सेना का नौकरी नहीं है, देश सेवा है, जिसमें हिम्मत है यह सर देके होते हैं सौदा। देशभक्ति सस्ती चीज नहीं है, यहाँ सर देके सौदा होता है, शपथ ही लिया जाता है जो हम मरेंगे, लेकिन यहाँ सुख सुविधा और जो खोजना चाहते हैं वैसे लोगों को सेना में आवश्यकता नहीं है। सेना में आप बहुत देश है जहाँ सबको कंपलसरी है। हम एक मौका दे रहे हैं, 6 साल में मिथिला यूनिवर्सिटी में BA की डिग्री मिलती है, हम 4 साल में ट्रेंड भी करेंगे, पैसा भी देंगे। यहाँ तो ITI का डिग्री लोग खरीदता है, इंजीनियरिंग का डिग्री डोनेशन देकर के लोग जाते हैं। मैं ट्रेंड भी करूँगा, पैसा भी दूंगा, अन्य रोजगार में रिजर्वेशन भी दूंगा। इतने सुंदर व्यवस्था पर अगर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो फिर ये तो डिस्कशन का बात है। आप ट्रेन जला रहे हैं, आप मान लीजिए हमारे नेताओं पर के घर पर गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।